मत्स्यासन के लिए आप अपनी योगा मैट पे कुछ इस तरीके से बैठ जाइए, मैं आपको राइट साइड से कर दिखा रही हूँ, और आप पद्मासन में बैठ जाइए अपने दोनों पैरों को ऐसे। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो मत्स्यासन के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। तो इसके बाद आप धीरे धीरे वापस ऐसे जाइए और कुछ इस तरीके से आपको लेटना है। अपने हाथों से अपने अंगूठों को पकड़िए पैरों के, और बिल्कुल स्ट्रेट, आपको बिल्कुल झुकना नहीं है, सीधा अपनी बॉडी को रखिए, अपने शोल्डर्स को भी स्ट्रेट रखिए, और कुछ देर तक आंखें बंद करके इस आसन में होल्ड रहिए। मत्स्यासन के काफी तरीके होते हैं, मैं आपको कुछ कुछ तरीके बताती हूँ। आप अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इससे आपके नेक पर बहुत ज्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। अपनी मुद्राओं को इस तरीके से रखिए। इसके साथ ही आप अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं पीछे, अपने सर के बिल्कुल पीछे। आप ध्यान रखें कि जब आप मत्स्यासन कर रहे हैं तो आपके हिप्स बिल्कुल मैट से टच होने चाहिए और कमर आपकी बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, ताकि कमर पर थोड़ा जोर पड़े। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस लाइए। तो ये पद्मासन में हमने मत्स्यासन किया, अब मैं आपको वज्रासन में मत्स्यासन करके बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग वज्रासन में आसन करना काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वज्रासन में आप पहले वज्रासन में ऐसे बैठ जाइए, उसके बाद जैसे हम पद्मासन में मत्स्यासन कर रहे थे और पीछे गए थे, वैसे आपको धीरे धीरे पीछे जाना है। अपनी हाथों की मुद्राओं को ऐसे करके आप अपने थाइस पर रखिए और सीधा अपनी बॉडी को। आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथों को। ऐसे भी रख सकते हैं। क्योंकि मेन जो असर आपको पड़ना चाहिए मत्स्यासन करते वक्त, ये कर्व बनना चाहिए। अगर आपके कर्व बन रहा है, यानी आप बिल्कुल सही तरीके से मत्स्यासन कर रहे हैं। हाथों को आप ऐसे पीछे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे वापस आइए। जब आप मत्स्यासन करके वापस आ रहे हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी नेक पर कोई झटका नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसे वापस नहीं आ सकते तो अपने जो लेग्स हैं आप उनको ओपन कर दीजिए, सीधे लेट जाइए, फिर वापस आइए। तो इस तरीके से होगा मत्स्यासन।